मॉर्निंग, टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? राइमिंग वर्ड्स में एन और एम दोनों के वर्ड सीखे थे, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स, एडी एड। बोलो एडी एड, ए बी एम। ठीक है, ये कौन है? पापा को क्या बोलते हैं? डैड। बोलो डी ए डी डैड, डी ए डी डैड। एल ए डी लैड। बोलो एल ए डी लैड। बॉय को क्या बोलते हैं? यंग बॉय होगा तो लैड। फिर ये क्या है? राइटिंग पैड होता है ना वो, पी ए डी पैड, पी ए डी पैड। ये दुखी है, एस ए डी सैड, एस ए डी सैड। बी ए डी बैड, बैड मतलब बुरा। गुड होता है ना, उसका अपोजिट क्या होता है? बैड। एम ए डी मैड। बोलो एम ए डी मैड, मैड मतलब पागल। ठीक है, वन सेकेंड विल रिवाइज। बोलो डैड, डी ए डी डैड। बोलो एल ए डी लैड। पी मतलब प, सो पी ए डी पैड। एस मतलब स, एस ए डी सैड। बी ए डी बैड, एम ए डी मैड। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट राइमिंग वर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी ए डी पैड। ठीक है, तो आपको बाकी के राइमिंग वर्ड्स है वो यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स। ए बी क्या होता है? एब। बोलो ए बी एब, सी ए बी कैब, सी ए बी कैब। डी ए बी डैब, डैब मतलब किसी भी चीज को हल्के से हम क्लीन करते हैं या पोछते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डैब। बोलो डी ए बी, डी ए बी डैब। सो डी मतलब ड, डी प्लस ए और ए बी एब हुआ, तो क्या हुआ? डैब, ड प्लस एब, डैब। एल ए बी एल मतलब ल, एल ए बी लैब। स्कूल में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस का, उसे क्या बोलते हैं? वो रूम को लेबोरेटरी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लैब। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला। टी ए बी टैब, ये तो सबको पता होगा, राइट? टी ए बी टैब। फिर एन ए बी नैब। बोलो एन ए बी नैब। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टाइमिंग वर्ड लिखा हुआ है कैब, राइट? तो जो बाकी के राइमिंग वर्ड्स है वो आपको नेक्स्ट बॉक्सेस में लिखने हैं, बोल बोल के लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ फोर लेटर वर्ड दैट राइम्स विद बैड। ऐसा कोई वर्ड जो राइम्स हो रहा है बैड वर्ड के साथ, अब उसका मीनिंग क्या है? मीन्स टू बी हैप्पी। ठीक है, तो उसका स्टिकर देखना है हमें, पेज नंबर 31 के लिए कौन सा स्टिकर है? देखो यहाँ पे पेज नंबर 31 के लिए है एफ एल ए बी फ्लैप और जी एल ए डी ग्लैड। ठीक है, ग्लैड का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी रहना। तो हमें कौन सा वर्ड चाहिए जिसका राइम्स हो बैड के साथ? तो बैड के साथ क्या राइम्स होगा? ग्लैड, जी एल ए डी ग्लैड। तो ग्लैड का स्टिकर आपको वहां से निकाल के यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, नाउ वी गो टू नेक्स्ट पेज, रीड द सेंटेंस अलाउड। लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, राइट? यहाँ पे आपको ये रीड करना है हर एक सेंटेंस, और सेम सेंटेंस यहाँ पे कॉपी करना है। फर्स्ट क्या है? टी एच ई द, एल ए डी लैड, आई एस इज, एस ए डी सैड। द लैड इज सैड। बॉय कैसा है? बॉय बोला ना मैंने, लैड मतलब बॉय होता है, वो कैसा है? सैड है मतलब दुखी है। ठीक है, अगेन टीचर के साथ बोलो द लैड इज सैड। ठीक है, सेम सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है बोल के। नेक्स्ट है द पी ए बी टैब इज, आई एन इन, इन पी एच ई द एल ए बी लैब। द टैब इज इन द लैब, टैब को कहाँ रखा हुआ है? लैब में। ठीक है, नेक्स्ट है एच ई, बॉय को पॉइंट आउट करने के लिए क्या बोलते हैं? एच ई मतलब ही। ठीक है, ही एच ई एस हैज, ही हैज ए पी ए डी पैड, ही हैज ए पैड। बोलो ही हैज ए पैड। बॉय, बॉय उसके पास पैड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
ऑन द कैप, ये भी क्या है डैब। डैब मतलब मैंने क्या बोला, किसी भी चीज को हल्के से क्लीन करते हैं कपड़े से, उसे क्या बोलेंगे डैब। ऑन ओ एन ऑन टी एच ई द सी ए बी कैप, सो डैब ऑन द कैप, ठीक है डैब ऑन द कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डी ए डी डैड, पापा को क्या बोलते हैं डैड। आई एस इज एन ओ मतलब नो, उसको टी ज्वाइन किया तो नॉट, एन ओ टी नॉट। एम ए डी मैड, बड़े हमारे कैसे होते हैं सब होशियार होते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है डैड इज नॉट मैड, डैड बड़े होशियार है, ठीक है वो मैड नहीं है। ओके तो आपको क्या करना है, ये सारे सेंटेंस जोर जोर से बोल के वापस यहाँ पे लिखने हैं। वन मोर थिंग हियर पेरेंट्स, मैंने लास्ट टाइम जो सिखाया था पेज नंबर 30 इसका और पेज नंबर 32 इसका एक वॉइस क्लिप बना के, बच्चे कैसे रीड कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले, वैसे वॉइस क्लिप बना के होमवर्क की तरह सेंड भी करना, ठीक है। नाउ वी गो टू लास्ट क्वेश्चन। आई एम फूल एट योर वर्ड दैट राइम्स विद नैप, ऐसा कोई वर्ड जो राइम हो रहा है कौन से वर्ड के साथ, एन ए बी नैप के साथ, एंड कैन बी फाउंड बाय द सी साइड, समुद्र होता है ना उसका जो साइड का एरिया समुद्र किनारा अपन मंडो से क्या बोलते हैं सी साइड, वहां पे वो मिलता है, ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट है या कौन सी थिंग है वो हमें देखना है, पेज नंबर 32 का स्टिकर। देखो यहाँ पे पेज नंबर 32 के लिए फर्स्ट क्या है क्रैब, और ये क्या है रोड है या पाथ है, ठीक है। हमें क्या देखना है क्रैब कौन से वर्ड के साथ राइम्स हो रहा है, नैप के साथ हो रहा है, आपको क्रैब का स्टिकर यहाँ पे पेस्ट करना है, उसका स्पेलिंग भी लिखना है सी आर ए बी क्रैब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नोटबुक में आपको पेज नंबर 31 टेक्स्ट बुक में 31-32 कंप्लीट करना है, और नोटबुक में यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था वैसे ये राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स।